तो हाय गाइस, आज मैं ये चार्जर ठीक करने वाला हूँ। इसे मैंने पहले से ओपन कर रखा है, आपको खोल कर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी का चार्जर है। कंपनी के चार्जर में हमेशा कंपोनेंट ज़्यादातर नीचे होते हैं, जो बड़े कंपोनेंट होते हैं वो अपने ऊपर होते हैं। गाइस, इसमें आप देख सकते हैं, रजिस्टर में हमारी जला हुआ है। देखिए, हम इसे खोलते हैं तो निकल जाता है। तो इसमें एक ही रजिस्टर होता है जो कि एक से लेकर 100 ओम तक का होता है। इसे हमें रजिस्टर लगाना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कोड। तो हमें सब लगाना है। और हमेशा ये चीज़ भी देख लेना है कि आगे हमारे ये कैपेसिटर जो है ये फूले ना हो। ये डीसी के, ये एसी कैपेसिटर होते हैं, ये भी एसी होते हैं, ये डीसी होता है। तो मैं इसे रजिस्टर लगाना, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा, जो कि टीवी रिपेयरिंग के शॉप में आपको मिल जाएगा। इसका रेट 1 रुपये से लेकर आपको 2 रुपये तक में आराम से मिलेगा। ये क्वार्टर वाट में आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन 1 पीस नहीं आता। देख सकते हैं, मैंने लगा दिया। अभी जो एक्स्ट्रा वायर है इसे हम कट कर लेंगे। कट कर लिया है। अब इसमें हमेशा एक करने के बाद आपको थोड़ा सा साफ कर देना, ब्रश या ले लेना और हल्का सा थिनर मार देना, जिससे कि आपके सारे कंपोनेंट्स में से गंदगी हट जाए। देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे तरीके से पकड़ लिया। अब इसे हमें ऐसे ही लगा लेना है। और एक चीज़ और, गाइस, इसे जैसे निकालेंगे हमें वैसे ही लगाना है। देख सकते गाइस, ये फिट हो गया। अब इसे हम टेस्ट करेंगे। अब हमें एक मल्टीमीटर ले लेना है। इसके वायरें मैंने कट कर रखे हैं, क्योंकि ये मैं अपने काम में यूज़ करता हूँ। ये कल ख़राब हो गया था, इसलिए मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। उसका कैप निकल चुका है गाइस, इसे हमें टेप से चिपका लेना है, क्योंकि पहली बार हर चार्जर का निकल जाता है।
पहली बार खोल लेते हैं तो चार्जर में ओरिजिनल कंपनी का चार्जर होता है, इसलिए इसमें ग्लू थोड़ा ज़्यादा मारा जाता है। देख सकते हैं गाइस, देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में सेट करना है, देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस अभी भी लगा हुआ है, अब आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस चार्जर हमारा ओके हो चुका है। तो इसी तरीके से सर आप सब ठीक कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं चाहिए होता है, आपके पास सोल्डिंग आयरन आपके पास होना चाहिए। तो ऑल राइट गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। जय हिंद।